मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 24.68 करोड़ की लागत से बनने वाले फार्मेसी भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 4000 छात्र व छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए। इस अवसर पर छात्र व छात्राओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के फार्मेसी विभाग के इस नए भवन की आधारशिला के भूमि पूजन कार्यक्रम की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि यह विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय के नाम पर स्थापित तकनीकी विश्वविद्यालय है, जिनका पूरा जीवन शिक्षा और समाज सुधार के लिए समर्पित था। उनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए आजादी के कई दशक पूर्व हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। हम सभी जानते हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित हुआ था। उस समय संसाधनों की कमी थी और आजादी का आंदोलन गति पकड़ रहा था। आजादी के आंदोलन में पंडित मदन मोहन मालवीय की सक्रिय भूमिका थी। जब देश स्वतंत्र हुआ तो इस स्वतंत्र भारत में किस प्रकार की शिक्षा चाहिए, इसके लिए हमें शिक्षा के केंद्र को स्थापित करना चाहिए, यह उनकी सोच थी। इसके बाद उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने कहा कि जितनी भी दवाएं बनती हैं वे सभी ज्यादातर बाहर से बनकर आती हैं, जिसमें देश और विदेश दोनों शामिल हैं। हम उत्तर प्रदेश में दो काम कर रहे हैं, जिनमें एक ललितपुर में 2000 एकड़ भूमि फार्मा के लिए आवंटित की गई है, जिसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसके अलावा हम एक मेडिकल डिवाइस पार्क भी बना रहे हैं, जो काम 1947 और 1950 में हो जाना चाहिए था। आज हम उस सेक्टर में काम कर रहे हैं। देश में सबसे ज़्यादा आबादी यूपी में निवास करती है, लेकिन जब यूपी में दवाएँ बननी लगेंगी तो यूपी में ही उनका निर्माण होगा। उस प्रकार की कार्यशाला भी लगेगी और मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय सामने आया है। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति जेपी सैनी सहित छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। माननीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर के प्रांगण में आप सभी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सभी के मार्गदर्शक प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ महाराज जी के चरणों में मैं वंदन करता हूँ। उनके साथ ही मंच की शोभा प्रदान बहुमुखी प्रतिभा के धनी गोरखपुर के माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी, गोरखपुर ग्रामीण विधायक श्री विपिन सिंह जी एवं ऐसे महाराज जी जिनका जिनके बारे में मैं कह सकता हूँ, मैं दो तीन रात खड़े रह गए, इनके बारे में बहुत कुछ कह सकता हूँ क्योंकि कलाकार हूँ मैं, पढ़ता बहुत हूँ, ह्यूमन नेचर हूँ। ऐसे महाराज जी सेंसिटिव हैं, भावुक हैं, खासकर सूर्य सूर्य बहुत ज्यादा इमोशन हैं, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं कि नाथ संप्रदाय की जो बीच है ये एजुकेशन के लिए जानी जाती है, वो अध्यात्म हो या शिक्षा का विभाग हो, ऑलवेज 53 कॉलेजेस एंड स्कूल महाराज जी रानी बैंक का। सो यू कैन इमेजिन हाउ सेंसिटिव शी इज। एक जोरदार ताली वंदन करना महाराज जी के लिए स्वागत है। आपका महाराज जी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी यहाँ आए हैं, सजानंद राय जी आपका स्वागत है, जिला अध्यक्ष जी विदुष्वी सिंह जी आपका स्वागत है, हमारे ग्रामीण विधायक बड़े लोकप्रिय हैं, बहुत ईमानदार दिन रात दौड़ते हैं, आपका स्वागत है, हमारे डीसी महोदय जिन्होंने भी आप लोगों को डिटेल में बताया कि फार्मेसी एक बहुत बड़ी इमारत फॉर यू आप लोगों के लिए यहाँ खुल गई, तो बहुत बढ़िया हुई। जब भविष्य आप लोगों के खातिर इतना सोचा गया था, इसका इतिहास और यहाँ से निकले हुए छात्र पूरे देश में हर विभाग में है और यहाँ पे एक हिस्ट्री क्रिएट हुए। हमेशा स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार ने हमेशा कोशिश की कि यहाँ के बच्चे अपग्रेडेड रहें, शिक्षा में किसी भी शहरी विद्यालय से या महाविद्यालय से यहाँ के बच्चे कमजोर ना हो। तो मैं आज इस मदन मोहन मालवीय के प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कुछ मोबाइल टैबलेट्स फोन भी यहाँ पर आज कुछ महाराज जी के हाथों से आपको मिलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्न
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के फार्मेसी विभाग के इस नए भवन की आधारशिला के भूमि पूजन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जयप्रकाश सिंह जी, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक श्री विपिन सिंह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिलाध्यक्ष श्री विष्णु सिंह जी, विश्वविद्यालय के सभी आचार्यगण, विश्वविद्यालय के सभी अन्य पदाधिकारी एवं उपस्थित छात्र छात्राएं, आप सबको मैं विश्वविद्यालय की इस प्रगति में सहभागी होने के लिए फिर से बधाई देता हूं। मुझे प्रसन्नता है, भारत माता के एक ऐसे सपूत पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम पर यह तकनीकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित है, जिनका पूरा जीवन शिक्षा के लिए और समाज सुधार के लिए समर्पित था। उनकी इन अमूल्य सेवाओं को ध्यान में रखकर के जिन्होंने आजादी के कई दशक पूर्व काशी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। हम सब जानते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में उस विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो चुका था और उस समय संसाधन नहीं थे, देश पराधीन था, तमाम चुनौतियां थी, देश का आंदोलन गति पकड़ता जा रहा था, आजादी का आंदोलन एक और गति पकड़ता जा रहा था। आजादी के आंदोलन में पंडित मदन मोहन मालवीय जी की सक्रिय सहभागिता थी और सबके बावजूद एक संकल्प विभा कि हमारा देश स्वतंत्र होगा। यूपी अब तक कंज्यूमर स्टेट है, फार्मेसी ये जितनी भी दवा बनती है ना, ये सभी इस समय ज्यादातर बाहर से बनकर के आती है, देशी विदेशी। हम लोग उत्तर प्रदेश में दो काम कर रहे हैं, एक हम लोगों ने ललितपुर में 2000 एकड़ लैंड फार्मा पार्क के लिए मैंने आवंटित किया है, फार्मा पार्क के निर्माण का कार्य हमारा वहां प्रारंभ हो चुका है। और दूसरा हम लोग गेलवा अथॉरिटी में मेडिकल डिवाइस पार्क बना रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश में जो काम 1947 में होना चाहिए था, 1950 में होना चाहिए था या उसके बाद होना चाहिए था, आज उस क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं। दवा की आवश्यकता यहाँ है लेकिन दवा बन रही है कहीं और से। लोगों को सबसे ज्यादा आबादी यूपी में निवास करती है लेकिन ये सब बनती है बाहर, जब 6 और 10 जनशक्ति हमारे पास होगी तो उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसका प्रोडक्शन यही यूपी के अंदर करने में सफल होगी, उस प्रकार की कार्यशालाएं लगेंगी, उस प्रकार की फार्मेसी यहां स्थापित होगी और उस प्रकार के अच्छे दक्ष मैन पावर को उपलब्ध करवाने के लिए मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय अपने आप को सामने लेके आया है। मैं विश्वविद्यालय को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। समय के अनुरूप चलना होता,
और मुझे लगता है किसी अच्छे संस्थान की, खासतौर पर तकनीकी संस्थान की आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है, वो मार्केट को ब्रांडिंग करना, मार्केट की आवश्यकता क्या है, इंडस्ट्री की आवश्यकता क्या है, समाज की आवश्यकता क्या है, और उस आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करना और उस प्रकार की स्किल मैन पावर को, इंडस्ट्री को, सोसाइटी को, या फिर हम मार्केट की डिमांड के अनुसार अगर उपलब्ध कराते हैं तो यह इकोनॉमी को भी प्रगति करेगा। भारत की अर्थव्यवस्था को प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय किया है 2027 तक $5 trillion की इकोनॉमी बनाना है। समाज, इंडस्ट्री और मार्केट की डिमांड के रूप सक्षम और स्किल मैन पावर को उपलब्ध कराने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संकल्पों को अक्सर सौ जमीनी धारा पर उतारने का कार्य कर रहा है। ये चीजें दिखाती है हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हम सब का भी कंट्रीब्यूशन प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प के साथ होगा। और उस संकल्प के साथ जब तब ही हम जुट पाएंगे जब हर क्षेत्र का व्यक्ति अपने नागरिक कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करेगा। हम सब भी उस अभियान के साथ जुड़े। उत्तर प्रदेश में पर्याप्त आपके लिए अवसर है, पर्याप्त अवसर है। हमारा ये फार्मा पार्क ललितपुर का एक बार मूर्त रूप ले लेगा, अंतिम चरणों में इसका कार्य चल रहा है। अब देखना हम यूपी को फार्मेसी और फार्मा का हब बना डालेंगे। देखिए मैं इस बात को मानता हूं कि जहां पे व्यक्ति चुनौती से जूझने के लिए अपने आप को तैयार कर देता है, ईश्वर भी परमात्मा भी उसकी मदद कर देता है। जहां पे व्यक्ति ये मान के चल लेता है तो हो जाएगा, तो वहां पे व्यक्ति अपने अवसर से चूक जाता है। हमने अपने सामर्थ्य से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के समय में सब बना। और मैंने पिछले 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर देखा इन सब में, आपने देखा होगा उत्तर भारत के जो राज्य विमान राज्य कहलाते थे उनमें से यूपी भी था। और मुझे प्रसन्नता है कि यूपी आज विमान राज्य की श्रेणी से बढ़कर के देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जनसंख्या हमारी नंबर एक पर थी लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में हमारा स्थान 6वें स्थान पर था। और आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो गया। आज के दिन पे कोई यूपी में आता है तो प्रफुल्लित होकर जाता है, यहाँ की प्रोग्रेस को देखता है, प्रफुल्लित होकर जाता है। यहाँ पे निवेश करने के लिए इच्छुक दिखाई देते हैं, हर एक सेक्टर में संभावनाएं हैं। लेकिन आज से 7 वर्ष से पहले स्थिति और भी नहीं, लोग हमें कहते थे कि सब कैसे होगा, हम कहते क्या बात कर रहे हैं, कैसे आपने यूपी को पहचाना नहीं। तो मुझे हंसी आती थी कि यहाँ पे यूपी में सब कुछ है लेकिन संकल्प का भाव है, लोग वही, प्रदेश वही, मशीनरी वही। ऐसा नहीं कि कोई हम लोग ऊपर से किसी और जगह से लेके आ गए, सब कुछ वही है, केवल कार्य संस्कृति बदलती है, कार्य संस्कृति बदलना और उसका रिजल्ट इस रूप में हमारे सामने आता है। याद आप सबने देखा है विश्वविद्यालय एक सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं प्रोफेसर जे पी सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है कि विश्वविद्यालय देश के तकनीकी विश्वविद्यालयों में अपना उत्कृष्टतम स्थान बनाकर एक लीड और नेतृत्व की
श्रेणी में खड़ा होकर इन सभी युवाओं के उज्जवल भविष्य को देश के भविष्य के साथ जोड़ करके विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। और आप जैसे युवा प्रतिभाशाली जब तकनीकी दृष्टि से सक्षम होकर के समाज के सामने आएंगे तो समाज को अवश्य ही एक नई गाइडेंस देने में आप सफल हो पाएंगे। आज के इस अवसर पर जब यहाँ के आदेशी युवा का शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ मैं इस अवसर पर एक बार विश्वविद्यालय को इस उपलब्धि के लिए हृदय से बधाई देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि समयबद्ध तरीके से विश्वविद्यालय की भी इस निर्माण कार्य को पूरा करते थे। अपने नए दौर में नए संसाधनों के साथ नई तकनीक के साथ यहां से ई फार्मा और एम फार्मा के निकलने के साथ प्रदेश के और देश के विकास में अपना योगदान दे पाएंगे। मैं माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध करूंगा